2021 का मैच नंबर दो जो है वो दोस्तों जारी है। तीसरे दिन का खेल अब मुकम्मल हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाला ये मैच जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की बात कर लेते हैं गाइस, तो उनकी लीड 200 रन की हो चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इस मैच के अंदर जो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स को आउट कर दिया है 129 के स्कोर के ऊपर, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। जहां 129 है पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे 51 ओवर्स के बाद, और लीड 200 रन की है। 71 रन की जो बर्तरी थी पाकिस्तान की टीम की पहली इनिंग्स की, वो बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है इस मैच के अंदर। जहाँ पर आपको इससे पहले बता दूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम ने जो रन्स बनाए थे उनकी तादाद 201 थी, और ऑल आउट होते हुए हमें दिखाई दी थी टीम साउथ अफ्रीका। क्या बना आज डे नंबर 3 के अंदर, अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस। जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की जो कि इस इनिंग्स का है, तो इमरान भट्ट ने कोई रन नहीं बनाया, वो जल्दी आउट हुए। आबिद अली ने 13 रन बनाए और 53 गेंदों का सामना किया। अजहर अली ने 33 रन बनाए, 82 गेंदों का सामना किया। बाबर आजम ने 8 रन बनाए, फवाद आलम ने 12 रन बनाए, और पाकिस्तान की टीम ने 76 के स्कोर पर अपनी 5 विकेट को लूज कर दिया था, जिसके बाद जो है वो मोहम्मद रिजवान एंड फहीम अशरफ के दरमियान 50 रन की एक अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप देखने को मिली। और इसी पार्टनरशिप के चलते हुए पाकिस्तान की टीम का ये एक अच्छा कमबैक रहा इस मैच के अंदर। और जहां 76 पर 5 आउट थे, वहां पाकिस्तान की टीम के 128 पर 5-6 आउट हुए दोस्तों, जाकर फहीम अशरफ आउट हुए जिन्होंने 29 रन बनाए, 49 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद रिजवान अभी भी 28 के स्कोर पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं हसन अली, जहाँ पर हसन अली ने अब तक कोई रन नहीं बनाया और उन्होंने 5 गेंदों का सामना कर रखा है। इसके बाद जो बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आएंगे वो होंगे यासर शाह, नोमान अली, शाहीन आफरीदी, और इन तमाम के तमाम प्लेयर्स को जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी गाइस, और ज़बरदस्त क्रिकेट खेलकर अपनी टीम के स्कोर को जो है वो आगे लेकर बढ़ना होगा। अगर हम बॉलिंग को देख लेते हैं तो साउथ अफ्रीका की जान से जॉर्ज ने 3 विकेट को अपने नाम किया, केशव महाराज 2 विकेट ले सके, और कगिसो रबादा 1 विकेट को लेने में कामयाब हुई। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है वो 201 रन बनाए थे, जहां पर हाईएस्ट स्कोर रहे थे टीमा बबुमा, और साथ साथ मुल्दर ने 33 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, और साउथ अफ्रीका की टीम 201 रन बनाकर आउट हुई थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट बॉलिंग, तो पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 5 विकेट हासिल की, जबरदस्त बॉलिंग करवाई गई 54 रन देते हुए, 4 प्लेयर्स को उन्होंने बोल्ड किया। 1 विकेट शाहीन आफरीदी ने, 1 विकेट फहीम अशरफ, और 1 विकेट जो है वो नोमान अली लेने में कामयाब हुए। और इस तरह जो है वो पाकिस्तान की टीम का पलड़ा इस मैच के अंदर थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, जहां पर लीड जो है वो अभी आपको बताता चलो 200 रन की हो चुकी है। डे नंबर 4 के अंदर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, इस मुतालिक आप बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं लाइव चैट के अंदर बता सकते हैं, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलता हूँ जल्द ही आपको एक नई लाइव स्ट्रीम के साथ, नई शॉर्ट वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर एंड बाय बाय।